नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन आज आपको बताऊंगा डॉक्टर ली वेनलियांग, जो कि चाइना के एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले कोरोना वायरस के बारे में बताया। विसल ब्लोअर जिन्हें लोगों ने कहा कि इन्होंने सबसे पहले सूचना दी कोरोना वायरस के बारे में लोगों को, अपने चैट ग्रुप में, वी चैट ग्रुप में अपने, तो बात करेंगे इनके बारे में। इनका जो एजुकेशन, जो मेडिकल की एजुकेशन हुई, 2004 में इन्होंने वुहान यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई के लिए एक कंबाइंड कोर्स वहाँ पे इन्होंने किया, जिसमें बैचलर्स एंड मास्टर्स दोनों की जो है डिग्रियाँ, इन्होंने 7 ईयर्स का कोर्स था। ये 7 ईयर्स के इस कोर्स में इन्होंने बैचलर्स मास्टर्स दोनों की पढ़ाई कंप्लीट की मेडिकल की फील्ड में। इसके बाद 2011 जायमेन आई हॉस्पिटल में इन्होंने 3 साल तक काम किया। 3 साल के बाद 2014 आया, तो उसमें ये वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल में एज अ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वर्क करने लगे। जब यहाँ एज अ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वर्क कर रहे थे, तो क्या हुआ, दिसंबर 2019 दिसंबर 2019 में 30 दिसंबर 2019 को इनका एक मेडिकल जो बैच था उसका एक ग्रुप था, उसका नाम था वुहान यूनिवर्सिटी क्लिनिकल मेडिसिन 2004। उस ग्रुप में, वहाँ पर वी चैट चलता है, व्हाट्सएप नहीं चलता है, चाइना का खुद का वी चैट है, व्हाट्सएप नहीं है वहाँ पे, वहाँ गूगल नहीं है, वहाँ फेसबुक नहीं है। फेसबुक की तरह उनका एक अलग है और गूगल की तरह उनका अपना एक सर्च इंजन है। तो उसी तरह से, क्योंकि चाइना अपनी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो छुपा के रखता है लोगों से, पूरी दुनिया से छुपा के रखता है, तो उसने खुद के जो सर्च इंजन और ये सोशल मीडिया है डेवलप करके रखे हुए हैं। तो उस चैट ग्रुप में, जिसका नाम था वुहान यूनिवर्सिटी क्लिनिकल मेडिसिन 2004, उसमें उन्होंने बताया, लिखा, ये 30 दिसंबर 2019 की बात है, उसमें लिखा कि देयर आर 7 कंफर्म केसेस ऑफ सार्स जो कि सी फूड मार्केट से आए हुए या उनका कनेक्शन वहां से बताया जा रहा है, वुहान के सी फूड मार्केट से। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद उन्होंने उन पेशेंट्स की पिक्चर्स ऑफ डायग्नोसिस रिपोर्ट वो ग्रुप में डाल दी, वीडियोस ऑफ सीटी स्कैन्स वो भी डाल दिए। तो जब इतना सब कुछ डाल दिया, और फिर उन्होंने बताया कि जो पेशेंट्स हैं उनको आइसोलेट कर दिया गया है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में उनको आइसोलेट कर दिया गया, एकदम अलग कर दिया गया है। तो उस ग्रुप में उनके जो एक कोई बैचमेट थे, उन्होंने लिखा कि बी केयरफुल, अवर ग्रुप माइट बी डिसमिस्ड,
मतलब सावधान रहना गवर्नमेंट से, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ग्रुप को डिसमिस कर दिया जाए, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट सोशल मीडिया जितनी भी हैं ये सब यहाँ पे बिल्कुल एकदम नजर बनाए रखती है, चाइना की गवर्नमेंट, चाइनीज। फिर क्या हुआ, तो डॉक्टर ली ने इसके बाद लिखा, द लेटेस्ट न्यूज इज कि ये सब कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं। तो इतना सब कुछ हो गया। इसके बाद डॉक्टर ली ने कहा कि ये जानकारी कहीं पे सर्कुलेट मत करना, डोंट सर्कुलेट दिस इंफॉर्मेशन। और उन्होंने कहा अपने फैमिली मेंबर्स को बताना, सावधान कर देना, अपने जो जानकार आसपास के लोग हैं उनको ये चीज बताना और उनको सावधान कर देना। बस फिर इसके कुछ घंटों के बाद उस ग्रुप के जो चैट थी उसके स्क्रीनशॉट्स सोशल मीडिया पे वायरल होने लगे। तो जब सोशल मीडिया पे वायरल होने लगे तो लोगों ने इस पे ध्यान देना स्टार्ट किया। जब लोगों ने ध्यान देना स्टार्ट किया तो ये बात पुलिस ने भी देखी, लोकल चाइनीज जो अथॉरिटीज थी उन्होंने देखा कि ये तो गड़बड़ मामला है। इसके बाद, इसके ठीक 4 दिन के बाद 3 जनवरी 2020 को डॉक्टर ली को वुहान सिक्योरिटी ब्यूरो, वहां का पुलिस जो है, वहां की जो पुलिस है वुहान सिक्योरिटी ब्यूरो की, वो इनके पास आती है और इनसे कहती है आप जो है गलत जानकारी इंटरनेट पे फैला रहे हैं। इनको वार्निंग दी और इनसे लेटर ऑफ एडमोनिशन, लेटर ऑफ एडमोनिशन साइन करवाया गया। एक टाइप से ये वार्निंग लेटर होता है, पुलिस की तरफ से वार्निंग लेटर होता है जो कि इनसे साइन करवाया गया। फिर क्या, इन्होंने लेटर साइन किया, इनको काफी डराया धमकाया गया वहां पे कि ये गलत जानकारी जो है, ऐसी जानकारी आप जो है सोशल मीडिया पे कहीं भी सर्कुलेट नहीं करेंगे, अगर इसके बात करते हैं तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। फिर क्या, फिर 8 जनवरी 2020 को डॉक्टर ली फिर से काम पे अपने हॉस्पिटल वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल फिर से वापस गए जाते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं उन कोरोना वायरस पेशेंट से, जब कांटेक्ट में आते हैं तो एक पेशेंट से ये इन्फेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद 2 दिन के बाद इनकी हेल्थ कंडीशन जो है थोड़ा गड़बड़ होने लगती है और इनको फीवर, इनको कफ, ये सब सारे सिम्टम्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके 2 दिन के बाद 12 जनवरी 2020 को इनको आईसीयू में एडमिट किया जाता है, वहां पे उनको क्वारंटीन किया जाता है, सबसे अलग कर दिया जाता है कि आप किसी से अब मिलेंगे नहीं। और वहीं पे इनका ट्रीटमेंट चलता है और टेस्ट, इनके जो टेस्ट होते हैं कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाता है। फिर इसके बाद 30 जनवरी 2020 को ये कंफर्म हो जाता है कि डॉक्टर ली कोरोना वायरस से पॉजिटिव हैं और 1 फरवरी 2020 को फाइनली ये डायग्नोस किया जाता है कि ये कोरोना वायरस से अफेक्टेड हैं। फिर और ये बीच बीच में अपनी
सोशल मीडिया पे जो जानकारी है वो लोगों के साथ शेयर करते रहते थे। तो 31 जनवरी को इन्होंने ये जानकारी शेयर की कि जब ये पुलिस स्टेशन गए थे तो इनके साथ पुलिस के साथ इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये इन्होंने सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया। और जो लेटर ऑफ एडमोनिशन था वो भी इन्होंने शेयर कर दिया। फिर क्या, लोगों ने इस पर ध्यान देना स्टार्ट किया, लोग इनसे जुड़ते गए और इनसे बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल इनसे सोशल मीडिया पे जुड़ गए। जब इनसे लोग जुड़ गए फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 5 फरवरी को इनके ही कलीग डॉक्टर्स बताते हैं कि इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई है। इसके बाद आती है 6 फरवरी 2020। तो 6 फरवरी 2020 को क्या होता है, 6 फरवरी 2020 को ये अपने एक फ्रेंड से फोन पर बात कर रहे होते हैं और बताते हैं कि मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, मेरा ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल 85% से ज्यादा रिड्यूस हो चुका है और उसी दिन 6 तारीख को अकॉर्डिंग टू न्यूज वीक चाइना ने बताया कि 9:30 PM पे इनकी हार्ट बीट स्टॉप हो गई है, लेकिन फिर कुछ ही घंटों के बाद इस न्यूज को डिलीट कर दिया गया। और लोग ये लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, ये चीजें अपडेट्स जो आ रही थी इनके हेल्थ के बारे में। फिर इसके बाद सुबह लगभग 7 फरवरी को, 6 फरवरी को ये न्यूज आई, फिर इसके बाद 7 फरवरी को वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल ने बताया कि डॉक्टर ली अब नहीं रहे। 2:58 पे सुबह मॉर्निंग में AM इनकी डेथ हो गई है। लोग कंफ्यूज थे क्योंकि न्यूज वीक ने बताया था, पहले जो जानकारी दी थी कि 9:30 PM पे जो 6 फेब था उस दिन जो है इनकी डेथ हो गई थी, लेकिन कंफ्यूजन था। तो लोग लाइव बने हुए थे एकदम इंटरनेट पे, लगभग 17 मिलियन लोग ये देख रहे थे। तो इस जानकारी को लगभग 17 मिलियन लोगों ने देख रहे थे, कंटिन्यू अपडेट्स जो थे उसको स्ट्रीम कर रहे थे। तो ये था डॉक्टर ली वेनलियांग का। इसके बाद WHO ने भी ट्वीट किया, WHO ने कहा मुझे दुख है कि डॉक्टर ली वेनलियांग अब नहीं रहे। थैंक यू।